हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट। के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट, आज आपकी जो काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग यानी कि पेनेस्टी की जो सेकंड काउंसलिंग है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये है कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी, इसमें जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है और कौन कौन से स्टूडेंट इसको अपन हम अप्लाई करें, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्टूडेंट, यदि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पेनेस्टी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब का जो सब्सक्राइब का बटन है, इसके भी जो बेल आइकन है, इसे दबाना ना भूलें, क्योंकि हर बार आपको अपडेट मिलती रहेगी। ले चलता हूँ, फर्स्ट में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कॉलेजेस की सीट्स हैं, कितनी क्या सीट्स रहने वाली है। यहाँ पे जैसे आपके सामने सीटों का दिख रहा होगा कि कितनी क्या सीट्स रहने वाली है, यानी कि यदि भोपाल कॉलेजेस के अंदर बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज जो है बीएससी का, इसके अंदर जो ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है, 25 सीट्स है। अब यहाँ पे अपन जनरल कैटेगरी की बात करें, सर जनरल कैटेगरी की 2 सीट्स यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें, 8 सीट्स रहने वाली है। और एससी कैटेगरी की यदि बात करें, यहाँ पे देखो एक चीज़ और रहने वाली, एसटी कैटेगरी के अंदर जो सैनिक है उसके अंदर भी एक पोस्ट रहने वाली है, और जो एससी कैटेगरी उसमें कितनी, 5 पोस्ट रहने वाली है। और ओबीसी की यदि बात करें, 7 सीट्स रहने वाली है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें ओबीसी यानी जो फिजिकल हैंडीकैप द स्टूडेंट, उसकी कितनी, 1 सीट्स रहने वाली है। और यदि अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, इसमें कितनी सीट्स रहने वाली है, 1 सीट्स, यानी कि इसमें टोटल सीट्स की यदि बात करें कितनी सीट्स है, 25 सीट्स इसमें रहने वाली भोपाल कॉलेज के अंदर। अब सभी स्टूडेंट, आपको यदि कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो आप कौन सी कैटेगरी वाइज, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखें जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप इन जगह पर अपनी जो कैटेगरी वाइज है, जो भी स्टूडेंट की कैटेगरी वाइज, वो स्टूडेंट यहाँ पर जाएँ और देखें कि सीट्स कौन से कॉलेज के अंदर कितने सीट्स हैं। सभी स्टूडेंट यहां पर जाके देखें, ये जो जहां जहां पर मैंने यहां पे रेट से वो कर रखा है पेन के द्वारा, उसे आप जाके देखें और कहां पे कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है। तो ये जो मैंने यहां पे बताया, जैसे कि यहां पे देख रहा हूं आप, जनरल का मैंने बताया है, इसमें बताया आपको एसटी कैटेगरी, यहां पे एससी कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट उनके लिए बताया। अब एक चीज और कि सर कौन से कॉलेज के लिए फर्स्ट चॉइस फिलिंग करें, तो देखो स्टूडेंट, जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जहां पर ज्यादा सीट्स हैं, यानी कि ज्यादा सीट्स की बात करें, सबसे ज्यादा सीट्स खाली कहां पर, इंदौर के अंदर। इंदौर के बाद यदि बात करें कहां पर, जबलपुर में। जबलपुर के बाद आप देख सकते हो भोपाल और ग्वालियर बराबर है। इसके बाद में कहां पर सीट्स हैं ज्यादा, फिर इसके बाद में सागर और रीवा के अंदर। तो जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जहां पर भी ज्यादा सीट्स हैं वहां पे आप काउंसलिंग करें। अब बहुत सारे ये स्टूडेंट की, सर इसकी कितनी रैंक तक, जो कॉमन रैंक है उसके हिसाब से क्या इसका सिलेक्शन होने वाला है, तो मैं बता देता हूं आपको इसमें क्या क्या चीज रहने वाली है। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले, एक जो वीडियो इसके पहले आप थोड़ा देखे, यानी कि जो जनरल कैटेगरी थी, यहां पर अभी इस इंफॉर्मेशन को शांति से सुने और अच्छे से समझे। इसे जनरल कैटेगरी थी, इसका कट ऑफ गया था लास्ट बार 74.53, और इसकी यदि रैंक की बात करूं तो रैंक कितनी थी, 421 रैंक थी। अब स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, सबसे मेन चीज सुने, अब ये जो कैटेगरी है तो यहाँ मैंने आप बताया सीट से, यदि अपन देखें तो 155 सीट्स हैं, उसमें जनरल की जितनी भी सीट्स आ रही उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें यदि सीट्स से यहाँ जो 421, तो इसके आगे यानी कि जिसका 422-423 जो भी आ रहा है, तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं जितनी सीट्स है जनरल की उसके अकॉर्डिंग, और जो कॉलेजेस में जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 10 सीट बढ़ा दें तो यानी कितनी हो गई, 4031 जो रैंक तक के स्टूडेंट है एग्जाम्पल के लिए, वो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, इसमें सिलेक्शन ऑटोनोमस कॉलेज में हो सकता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं अपन कौन सी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के बारे में समझा, देखिए स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया था, जो एससी कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ की यदि बात करें तो क्या गया था, 67.25 गया था, ठीक है। रैंक की यदि बात करें तो रैंक कितनी गई थी, 930 रैंक तक के जो भी कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन हुआ। अब आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं यहाँ पर, और जिन स्टूडेंट के आप देखें कैटेगरी वाइज की कितनी सीट्स वहाँ पर आ रही है, मैंने जो बताया वहाँ पर आपको सीट्स देखना है, और उस सीट्स के अकॉर्डिंग आप अपना मतलब एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यानी कि इसमें यदि अपन बात करें, एग्जाम्पल की चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आप बात करें तो इसमें आप कितनी 10 सीट्स और जोड़ लीजिए तो 940 सीट्स तक के जो भी आप यदि कैटेगरी वाइज देखेंगे तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं और कैटेगरीज की, अपन बात करते हैं कि सर इसमें और कौन सी कैटेगरी की, यदि अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, किसकी, ओबीसी कैटेगरी की बात कर, ओबीसी कैटेगरी में कहाँ तक गया था, 71.61 रैंक के अनुसार स्टूडेंट का सिलेक्शन, और कौन सी रैंक तक हुआ था, 608 रैंक तक हुआ था। तो स्टूडेंट इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स बढ़ा सकते हैं। जो कॉलेजेस की मैंने जो अभी आपको बताया एमओपी, और जो यूपी की जो ये जो अपनी डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग का, उसमें आप जाके सीट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको एसटी कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया था फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, एसटी कैटेगरी का कितना गया था कट ऑफ, यदि अपन बात करें 62.88 कट ऑफ गया था। अब इसके अलावा इसमें अपन रैंक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रैंक अप के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ तक, 1455 रैंक के स्टूडेंट थे वहाँ तक का सिलेक्शन एसटी कैटेगरी के अंदर हुआ था।
तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो और देख सकते हैं कहाँ तक सिलेक्शन जाएगा। सीट्स के अकॉर्डिंग आपको आइडिया थोड़ा सा लगाना है। एक चीज़ और, अगली इन्फॉर्मेशन और एक चीज़, अब बात कर लेते हैं कौन सी कैटेगरी की, EWS कैटेगरी। सर EWS का कितना गया था कटा, EWS कैटेगरी यदि बात करें तो अपन कितना गया था कटाप, इसका EWS कैटेगरी का कटाप गया था 64.56 कटाप गया था। कौन सी रैंक तक हुआ था, 1252 रैंक थी वहाँ तक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में, इसमें भी आप सीट्स अपने अकॉर्डिंग, जो सीट्स कॉलेजेस की सीट के उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं इसमें। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखो वो जो कम नंबर पे जो काउंसलिंग हुई थी वो स्टूडेंट जो जो रहते हैं उनकी मैं बता देता हूँ, यानी कि उसमें PH यानी जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है उनकी भी सीट्स इसमें रहने वाली है जो 155 सीट्स में से। फिर जो स्टूडेंट जो सैनिक में SN जहाँ पर लिख रखा है सीट्स के अंदर, वो काई के लिए जो सैनिक है, भूतपूर्व जो सैनिक थे उनके लिए है। फिर एक चीज़ दे रखी है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए भी सीट्स कुछ रहने वाली है। यहाँ पे यदि अपन बात करें तो हर कैटेगरीज में 2 से 3 सीटें ऐड हुई है, तो उन सीट्स को आप ध्यान से देखें, फिजिकल हैंडीकैप भी है, सैनिक भी है और फ्रीडम फाइटर भी इसमें कैंडिडेट्स रहने वाले। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें समझाई कि कितनी सीट्स इसमें हैं और कौन सी सीट्स, यानी कि जनरल कैटेगरी का कौन सा लास्ट फर्स्ट काउंसलिंग में कटाव गया था और उसके आगे अब कितना कटाव जाएगा। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट के सर आप कटाव बताए, एक्सपेक्टेड जो कटाव है मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको मैं बता पाऊंगा सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये जो भी मैंने वीडियो की इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस मेहनत को आप लाइक जरूर करें और अगली जो भी PNHT की अपडेट है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी आपको यदि इन्फॉर्मेशन में कुछ भी क्वेरीज रहती है दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप GKM के WhatsApp ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पे आप GKM को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।